इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और बात सोशल मीडिया की, आपसी संचार की, कम्युनिकेशन की, उसके लिए ज़माना बहुत आगे आ गया है। ज़माना शुरू हुआ था मोबाइल कॉल से या टेलीफोन कॉल से, उसके बाद मोबाइल कॉल शुरू हुई, उसके बाद मोबाइल SMS शुरू हुए, उसके बाद सोशल मीडिया साइट्स आई जिन पर चैटिंग कर सकते हैं, और व्हाट्सएप इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। और अब तक हमारी स्थिति, हम सब ये जानते हैं कि अगर आप एक फ़ोन में व्हाट्सएप चला रहे हों, चाहे आपके फ़ोन में दो मोबाइल सिम क्यों ना हो, आप एक ही व्हाट्सएप अकाउंट चला पाते थे। लेकिन अब व्हाट्सएप यानी मेटा ने ये साफ कर दिया है कि अब आप एक मोबाइल फ़ोन से ही दो व्हाट्सएप अकाउंट चला पाएंगे। जी हाँ, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़र्स को ये सुविधा दी जाने वाली है। यानी एक मोबाइल फ़ोन में अगर आपके दो सिम हैं तो उन दो सिम से एक ही व्हाट्सएप ऐप अगर है तो उसके ज़रिए आप दो व्हाट्सएप अकाउंट चला सकते हैं। अलग अलग व्हाट्सएप ऐप रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मोबाइल फ़ोन आप एक्टिवेट करके चला रहे होंगे उसके ज़रिए उससे जुड़ा हुआ व्हाट्सएप अकाउंट्स आपके खुलेंगे और आप उसको चला सकेंगे। कितनी जल्दी ये चीज़ अस्तित्व में आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन मेटा ने ये घोषणा जरूर कर दी है। उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है जो कई कई मोबाइल फ़ोन रखते थे और कई मेटा के व्हाट्सएप के अकाउंट चलाते थे लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि अलग अलग जोनर में, अलग अलग जगह, अगर बिजनेसमैन से बात करनी है तो उन्होंने अलग रखा हुआ है, किसी और से बात करनी है तो अलग रखा हुआ है। तो एक मोबाइल फ़ोन में एक ऐप के ज़रिए दो व्हाट्सएप अकाउंट चलाने की सुविधा अब व्हाट्सएप आपको बहुत जल्दी देने जा रहा है। ये कितना बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम है आप बताइएगा, लेकिन आपके दिमाग में सवाल ज़रूर उठ रहे होंगे कि आखिर ये होगा कैसे। मेरे भी दिमाग में यही सवाल उठ रहा है, तो जब सामने आएगा हाथ कंगन को आरसी क्या तब देख लेंगे। फिलहाल तो ये खबर सामने आ गई है तो इस खबर को लेकर उत्साहित हो लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।